और जाहिर बात है कि अगर 10 को गोली लगी है तो 25-30 उसने और प्रयास किया होगा। मुस्कुरा कर उस पर कास्ट का लाइन खोजते हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो सकती है। यह 2 करोड़ रुपए का दुरुपयोग हो सकता है, या 2 करोड़ रुपए उस इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है। पिछले बार भी देखा है कि जब माननीय नीतीश जी अलग थे उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम हुआ था तो हुंकार रैली में सुबह सुबह भी विस्फोट हो गया था। किशनगंज में हुई 2 करोड़ की लूट को लेकर अब बीजेपी सरकार पर कहीं ना कहीं हमलावर है। साफ तौर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह आरोप लगाया है कि इन 2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाएगा। जिस तरीके से इस महीने अमित शाह का सीमांचल दौरा है, इस पैसे का इस्तेमाल उनके दौरे में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, और इसका साफ तौर पर इसकी आशंका जताई है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने। और साथ ही साथ जिस तरीके से बेगूसराय में जो घटना घटी है उसके 48 घंटे होने वाले, अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर करारा हमला किया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री इसमें अब जातीय समीकरण बनाने को देख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, आप सुनिए। सर, किशनगंज में जो लूट हुई है उस 2 करोड़ में आपने कहा है कि उसका इस्तेमाल अमित शाह जो आएंगे उनके दौरे में आतंकी गतिविधियों में होंगे। मैंने यह नहीं कहा है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी के आने से ठीक पहले, और खास करके जब वहाँ पर सभी लोग बहुत एक्टिव हैं, उस समय 2 करोड़ रुपए के सरकारी कैश वैन की लूट हो जाती है और बिहार सरकार उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। यह 2 करोड़ रुपए का दुरुपयोग हो सकता है, या 2 करोड़ रुपए उस इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है। और हम लोगों ने पिछले बार भी देखा है कि जब माननीय नीतीश जी अलग थे उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम हुआ था तो हुंकार रैली में सुबह सुबह भी विस्फोट हो गया था। उसके बाद भी माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई थी। आज गृह मंत्री जी के आने से पहले इतनी बड़ी घटना किशनगंज में होना कहीं ना कहीं एक समय के साथ ध्यान नहीं देना यह बताता है कि अगर इसमें कोई गहरी साजिश हुई तो फिर क्या होगा। गोलीकांड को लेकर लेकिन अभी तक इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि बीजेपी के नेताओं को दिल्ली में अहमियत नहीं मिलती है, इस वजह से बिहार में बोलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पत्रकारों के सामने 30 किलोमीटर के दूरी तक लगातार 10 लोगों की को गोली मारी गई है, और जाहिर बात है कि अगर 10 को गोली लगी है तो 25-30 उसने और प्रयास किया होगा। तो इतनी बड़ी घटना को या छोटी मोटी घटना बताते हैं, मुस्कुरा कर उस पर कास्ट का लाइन खोजते हैं, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो सकती है। और उनको लगता है अगर कि यह साजिश है तो उन्हें तो और तेज़ी से काम करना चाहिए था, तुरंत साजिश को बेनकाब करना चाहिए था। तो उसके बदले वह 7 पुलिस के चौकीदारों पर कार्रवाई करके अपने कार्य को इतिश्री कर रहे हैं। किशनगंज की घटना और बेगूसराय की घटना कहीं ना कहीं बिहार को बहुत खतरनाक मोड़ पर ले जाने की साजिश लगती है।